हेलो फ्रेंड्स, RHEL6 की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। ये शॉर्ट मॉडल सीरीज का 7th वीडियो है और इस वीडियो हम सीखेंगे कि किसी टेक्स्ट फाइल का कंटेंट ऑलरेडी सॉर्टेड है या नहीं, ये कैसे चेक करते हैं वो इस वीडियो हम सीखेंगे। तो इसके लिए शॉर्ट कमांड के साथ में आपको हाइफन सी ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। तो शॉर्ट कमांड का जो सिंटेक्स है वो इस पर रहेगा। सबसे पहले लिखना आपको शॉर्ट, उसके बाद हाइफन सी ऑप्शन, और उसके बाद उस फाइल का नेम आपको लिखना है जिसका कंटेंट आपको चेक करना है कि शॉर्टेड है या नहीं। तो चलिए हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक डेमो फाइल क्रिएट कर रखा है, तो सबसे पहले उस डेमो फाइल का कंटेंट चेक कर लेते हैं। तो ये उस फाइल का कंटेंट, अब हम चेक करते हैं कि ये कंटेंट शॉर्टेड है या नहीं। तो उसके लिए शॉर्ट कमांड इस प्रकार लिखा जाएगा, शॉर्ट हाइफन सी, और उसके बाद उस फाइल का नेम आपको लिखना है। तो ये आउटपुट में हमें शो कर रहा है कि इस फाइल का कंटेंट सॉर्टेड नहीं है। लाइन नंबर 3 से इसका कंटेंट डिसऑर्डर में है। तो अब इस फाइल का कंटेंट हम सॉर्ट कर देते हैं। तो सॉर्ट करने के लिए लिखेंगे हम कमांड सॉर्ट माय फाइल, और इस फाइल का जो इस कमांड का जो भी आउटपुट आएगा उसको हम रीडायरेक्ट कर देते हैं दूसरी फाइल में। तो हम नाम देते हैं उसको sort.txt, एंटर। तो इस कंटेंट का, इस फाइल का कंटेंट हमने सॉर्ट करके उसका आउटपुट हमने sort.txt फाइल में रीडायरेक्ट किया है। तो उस फाइल का कंटेंट चेक लेते हैं, sort.txt। तो ये उस फाइल का नया कंटेंट है। अब चेक करते हैं कि इस फाइल में जो हमने आउटपुट रीडायरेक्ट किया है वो सॉर्टेड है या नहीं। तो sort-c sort.txt, तो ये बता रहा है कि इस sort.txt फाइल का कंटेंट सॉर्टेड है। अगर कुछ भी शो नहीं कर रहा आउटपुट में, मतलब उस फाइल का कंटेंट सॉर्टेड है। तो इस प्रकार आप किसी फाइल का कंटेंट सॉर्टेड है या नहीं वो आप चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।